Amen. Thank you for nothing. चुनाव में टिकट न मिलने का दर्द क्या होता है, ये नेताओं से भला और कौन समझ सकता है। कोई नेता टिकट न मिलने पर पार्टी को छोड़ देता है तो कोई मंच पर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा ही नजारा बिहार के अररिया से देखने को मिला, जब लालू यादव की पार्टी के पूर्व सांसद मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पूर्व सांसद सरफराज आलम एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और मंच पर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी जमकर भड़ास निकाली। बता दें कि सरफराज आलम पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लिमुद्दीन के बड़े बेटे हैं, जो आरजेडी से सांसद थे और इस बार भी लोकसभा के चुनावों में पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, पर पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर उनके छोटे भाई सहनवाज आलम को प्रत्याशी बना दिया। सरफराज आलम अररिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान वे मंच पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही नाराज होते हुए पार्टी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी पर भी जमकर भड़ास निकाली और लालू यादव पर टिकट बेचने का आरोप तक लगा दिया। अब पूर्व सांसद के रोने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और आसपास खड़े लोग और उनके समर्थक उनके आंसू पोंछते दिख रहे हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा था जपन जी होगा, तमाम उसका परिवार, मेरा परिवार तो आप हो, मेरी मां तो आप हो, मेरा बाप तो बाप मरने के बाद आपने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।